हेलो गाइस, दिस इज लखन और आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आप मैथ्स में 100 में से 100 नंबर कैसे ला सकते हो। दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। सो दोस्तों वीडियो को फर्स्ट लास्ट तक बिना स्किप जरूर देखिएगा जिससे आप मैथ में एक अच्छा खासा स्कोर कर सको। दोस्तों जो भी स्टेप दे रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा और उन्हीं को आजमाइएगा, आपके नंबर 101% 95 से 100 के बीच में आने शुरू हो जाएंगे मैथ्स के अंदर। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स के अंदर कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स की बुक खोलते हैं, सामने रखते हैं, पढ़ते जाते हैं। दोस्तों ये कोई मैथ्स पढ़ने का तरीका नहीं है। मैथ्स हमेशा सॉल्व की जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। ये एक टिप्स अपने माइंड में रख लें, ठीक है। तो मैथ्स सॉल्व करनी है, पढ़नी नहीं है। अब सॉल्व कैसे करनी है, आपको एक पेन कॉपी लेना है, उसके बिना सॉल्व हो नहीं सकती। और फिर आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले अगर आपको क्लासरूम में आपको समझाया हुआ है तो आपको वापस वो क्वेश्चन नहीं देखना है और वापस अच्छे से उस टाइम ध्यान दिया है तो अब वापस उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहां पर आप अटक रहे हैं वो नोटबुक उठाइए, वहां से देखिए भाई कि कौन सा तरीका यूज लिया हुआ है और उसी तरीके को क्यों यूज लिया गया है। इन दो चीजों को ध्यान रखिए, पहला तो कौन सा तरीका यूज लिया गया है, दूसरा क्यों लिया गया है। अगर ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप मैथ्स किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं अटकोगे। तो ठीक है ना, क्यों लिया गया है, ठीक है। अब उस तरीके को अच्छे से ये दोनों आपके क्लियर हो गए, अब वहीं पर आ जाइए पहले जहां पर आप कर रहे थे और उसको सॉल्व आउट कीजिए। इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए, आपके सारे सारे डाउट्स है मैथ्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज, आपको पता है मैथ्स के बहुत सारे सवाल है जो क्वेश्चंस है वो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है हम एग्जाम के टाइम फॉर्मूले भूल जाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूले भूल जाते हैं तो अब इसका क्या उपाय है। दोस्तों इसका एक सीधा और सिंपल उपाय है, आपको बेसिक तैयार करना चाहिए। बेसिक कैसे तैयार करना है, जैसे आपके सामने फॉर्मूला है तो आया कहाँ से, मतलब कि आपको वो फॉर्मूला सॉल्व आउट करना आना चाहिए, कहाँ से आया उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप निकालोगे ना तो आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि फॉर्मूला आया कहाँ से। फॉर्मूला शॉर्टकट होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूले के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर्मूले के बिना कर सकते हो, लेकिन आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, फॉर्मूला कहाँ से शुरू हुआ है वो स्टेप पूरा क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद में आगे का स्टेप होगा। तो स्टेप होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट होता है। तो इन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें, आपको फॉर्मूला भी सॉल्व आउट करना आना चाहिए जिससे आपको एग्जाम टाइम अगर फॉर्मूला आप भूल जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो फॉर्मूले की शुरुआत है उसी से ही क्वेश्चन की शुरुआत कर लो। तो ऐसे पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करें। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप करते हैं उसके बाद में दूसरा स्टेप खा जाते हैं, तीसरे स्टेप पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों स्टेप जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं वो स्टेप डायरेक्ट इसके कॉपी के अंदर लिखिए, क्योंकि आपका जो टीचर्स होता है, मैं स्कूल लेवल पर बात कर रहा हूँ, बोर्ड लेवल पर बात कर रहा हूँ या फिर कॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ, ये सभी के लिए है, ठीक है। और कॉम्पिटिशन वालों को भी यहाँ पर टिप्स देने वाला हूँ कि कौन कौन से तरीके यूज लेने हैं। तो ये जो तरीके तो आपके आने वाले हैं, हाँ वहाँ पर आपको लिखना नहीं पड़ता है लेकिन वहाँ पर ऑप्शनल होते हैं और ऑप्शनल के लिए भी सॉल्व आउट तो पढ़ना ही पड़ता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आप लोग भी ध्यान दें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई आपको यहाँ पर जो स्टेप है उनका ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं एक ही लाइन के अंदर 5 स्टेप क्लियर कर देते हैं। नहीं दोस्तों, स्टेप बाई एक स्टेप ऊपर जस्ट नीचे उसके नीचे, इस हिसाब से आपको लिखना है। लिखने के थोड़ा सा एक अच्छा तरीका यूज लिया, ऐसा नहीं कि आपने कांट सांट कर ली। बोर्ड एग्जाम्स या फिर स्कूल लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर हमेशा आपकी साफ सफाई, मतलब कि आप किस स्टेप से लिखते हैं, कितने स्टेप का ध्यान रखते हैं उसके बाद में। और इसके अलावा दोस्तों बता दूं यहाँ पर आप जो क्वेश्चन करने का तरीका, मतलब हजारों चीजों का ध्यान में रखे आपकी कॉपी चेक की जाती है, तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रूव करने होते हैं, ठीक है। तो उसके उसमें क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों से आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये स्कूल लेवल वालों के लिए, तो आपको कुल मिला के बात ये बेसिक तैयार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन लेवल के बच्चे हैं उनके लिए। तो दोस्तों आपको पता है कि भाई कोई भी आपको सब्जेक्ट हो उसका बेसिक तैयार होना बहुत जरूरी है। तो आपको जैसे ही आप जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो आपको, तो आपका सिलेबस निकालिए,
और जो जो सिलेबस में आया हुआ है उसका बेसिक तैयार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, बेसिक कैसे तैयार करना है मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, स्कूल लेवल के भी और यूनिवर्सिटी लेवल के भी बताया, उसी के अंदर मैंने सारा बता दिया कि बेसिक कैसे आपको तैयार करना है, ठीक है। बेसिक तैयार कीजिए और बेसिक तैयार करने के बाद में आपको वहां पर ध्यान रखना है कि भाई अब आपके क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप सॉल्व करना तैयार कीजिए, ठीक है। जो भी है आपकी जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे आपकी जैसे मैथ्स के अंदर सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपका जैसे आ गया है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इस टाइप के, तो उसका उसको निकालिए वहां पर, उसके जो आपने बेसिक क्लियर कर लिया है उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रहा है तो आपके पास में उसका जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वहाँ पर पढ़ाते तो होंगे, तो वहाँ पर अच्छे से आप लोग वहाँ से ध्यान दीजिए, ठीक है। वो सारी चीज वापस वहाँ पर नोट आउट कीजिए, उसके अंदर वापस चेक करिए, तो मिला आप मिलान कीजिए, आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये कैसे आया, क्यों आया, ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा आने चाहिए जिससे आपके जो भी है प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाएगी। और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा दोस्तों बता दूं, जो भी मैंने क्लियर पॉइंट बताए हैं इनको ध्यान रखिए, मैथ्स के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स बहुत हार्ड नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। बाकी वालों के अंदर आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है, लेकिन मैथ्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं, मैथ्स सॉल्व की जाती है, मतलब कि आपको याद नहीं करनी है, बस आपको अपना माइंड थोड़ा सा जिस टाइम आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा माइंड वहां पर लगाना है, आगे आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैथ सबसे सिंपल है, बस आपको अपना माइंड एक्टिव रखना है और आपको जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने होते हैं, सबसे इजी चीज है, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूली लेवल में कमजोर होते हैं लेकिन बाद में मैथ्स को धड़ाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि मैथ्स भाई रटने की चीज नहीं है। लेकिन स्कूल लेवल पर तो कुछ लोग क्या करते हैं, रटते हैं, रट के सॉल्व मैथ्स सॉल्व लेके आ जाते हैं, लेकिन बाद में कॉम्पिटिशन में ऐसा थोड़ी होता है, जो आपको पढ़ाया वही रहेगा, ठीक है ना। तो वहां पर बच्चों की वो पेन डील हो जाती है। तो आप लोगों को इस चीज से विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप लोगों को मैथ्स को सॉल्व आउट करना है, ठीक है, अच्छे से स्कोर करना है, तो इन स्टेप्स का ही ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर ले, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले, उनके लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो प्राप्त हो। दोस्तों ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों छोटी मोटी अपडेट है टेलीग्राम चैनल में देता रहता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी संबंधी आपको कोई भी उपाय चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाके फॉलो करके मैसेज डाल देना, आपको भाई आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे देगा। तो दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।